أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله صلفة جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد صلى الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المزعومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآغلت ببداء وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار أفل طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. أيضاً الكرامي ما يبارك رمضان ہے اور ہم سب اس مہینے میں خدا بند عالم کے مہمان ہیں. اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ مریض ہو جائے بیمار ہو جائے تو ابتدا میں اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ خدا ڈاکٹر کیا جائیں گے دکھائیں گے تو شفا مل جائے گی. جب اس سے شفا نہیں ملتی کہتے کسی بڑے ڈاکٹر کیا چلے جائیں گے تو شفا مل جائے گی. اس سے شفا نہیں ملتی کہ کسی بڑے اسپیشلسٹ کیا چلے جائیں گے وہاں نہیں ملتی کسی بڑے اسپتال میں چلے جائیں گے. کہ ہندوستان میں نہیں ملتی کہ ہندوستان کے باہر بڑے بڑے اسپتال ہیں وہاں چلے جائیں گے. اور جب وہاں بھی آخری امید ہوتی ہے کیونکہ اب اس کے بعد دوسری کوئی امید نہیں ہے تو گھر والوں کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ آخری اسپتال ہے اور اگر یہاں میرا بچہ ٹھیک نہیں ہوا تو اب کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. تو اس صورت میں گھر والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دعا، استغفار، صدقہ. ہر بات یہ دیکھیے دعا کیجئے بچہ شفا ہو جائے، اس کا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے.
आया इस मंजिल पर पहुंचने के बाद कोई आदमी अपने बच्चे की तरफ से गफलत बरतेगा, कोताही करेगा, या जो कोई डॉक्टर कहेगा उस पर अमल करेगा, क्योंकि ये आखिरी उम्मीद है, अब इसके बाद कोई चारा नहीं है। ऐज़ाने गिरामी, माह मुबारक रमजान साल भर की गुनाहों की हमारी आखिरी उम्मीद है। रबात अगर इसमें नहीं बख्शे गए तो फिर साल भर नहीं बख्शे जाओगे। हमें क्या पता हम कल जिंदा रहेंगे या नहीं जिंदा रहेंगे, हमें क्या पता हम दो महीने जिंदा रहेंगे जिंदा नहीं रहेंगे। तो खुदा ने रमजान उल मुबारक में मगफरत की आखिरी सेल लगाई है और हमें दावत दी है तुम आओ हम तुम्हारे गुनाहों को बख्शेंगे। तो इस महीने में हमें उन चीजों पर तवज्जो देना चाहिए जो हमारी गुनाहों की मगफरत का सबब हो या गफलत से काम लेना चाहिए। आज डॉक्टर हमसे कहता है ये ना खाओ तो नहीं खाते, शुगर की बीमारी है रोजा रख रहे हैं, कहते नहीं भाई हम इतना ज्यादा मीठा नहीं खा सकते हमारी शुगर पहुंच जाएगी। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, डॉक्टरों ने दवाएं दी है, रमजान मुबारक का सहरी अफ्तार का वक्त है, तली हुई चीजें मौजूद हैं, लोग कहते हैं बिस्मिल्लाह, कहने इससे ज्यादा नहीं खा सकते मेरा कोलेस्ट्रॉल पहुंच जाएगा। ब्लड प्रेशर की बीमारी है, नमकीन चीजें कहने इससे ज्यादा नहीं खा सकते। लीवर की बीमारी है, का चिकना नहीं खा सकते, मसाला नहीं खा सकते, हमको अपना सेहत रखना है। तो जिस तरह से हम डॉक्टर के कहने पर चीजें छोड़ देते हैं, खुदा ने भी तो हमसे कहा है तुम्हारे ईमान की सेहत के लिए गीबत नुकसान दे है, झूठ नुकसान दे है, तोहमत नुकसान दे है, इल्जामात नुकसान दे है, नमाज का छोड़ना नुकसान दे है, बीमारों को अजीजों को भाइयों को सताना नुकसान दे। तो क्या हमें खुदा की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए? हम उस अपने उस जिस्म की सेहत का जरूर ख्याल रखते हैं जो 10 साल 20 साल 25 साल के बाद खाक में मिलके खत्म हो जाएगा और खाक का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन क्या उस ईमान का भी लिहाज रखते हैं जो हमारे साथ कयामत तक बाकी रहने वाला है? शुगर नहीं खाते ताकि शुगर बढ़ने ना पाए, नमक नहीं खाते ब्लड प्रेशर न बढ़ने पाए, मसाले नहीं खाते ताकि लीवर खराब न होने पाए। तो क्या हम एक फरावाज मिलता है कि देखो झूठ ईमान को खराब कर देता है जिस तरह से सिरका शहद को खराब कर देता है। क्या इस एक महीने में हम गौर करें, साल भर न सही तो क्या हम एक महीने अपने आप को गुनाहों से दूर नहीं रख सकते? क्या इस एक महीने हम थोड़ा सा खुदा के लिए वक्त नहीं निकाल सकते? ये मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं नकल फरमाई है ये वो रमजान का मेनू है जो अइम्मा मासूमीन ने दिया है। एक रमजान का मीनू वो जो हमने तैयार किया है, पूरी है, कचौड़ी है, चना है, मटर है, दही बड़ा है, बिरयानी है, कौरमा है, सालन है, बिरयानी है, पाए है, फिरिनी है, मालपुआ है, ये मीनू क्या है हमने तैयार किया है। मासूमी ने क्या तैयार किया है? तो दुआ इफ्तिता है, कुरान करीम है, दुआ अबू हमजा सोमाली है, दुआ सहर है, रमजान के दिन की दुआएं हैं, दिन की सलावात है, इस्तिग़फ़ार है, तिलावत कलाम है। ये वो मेनू है जो मासूमीन ने तैयार किया, ये मेनू मासूमीन का मजमूए में मफातिहुल जिलान में तो फतेह लवान में मौजूद है।
जो मेनू हमने तैयार किया उसमें जेब से पैसे निकलते हैं, और सिवाय गैस के, बदहजमी के और कुछ हासिल नहीं होता। जो मेनू मासूमीन ने तैयार किया है उसमें पैसे नहीं जाते, गुनाहें बख्शी जाती हैं, आमाल कबूल होते हैं, ईमान मजबूत होता है, खुदा से कुर्बत मिलती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि ईमान मजबूत से मजबूतर होता चला जाता है। तो हमें किस पर अमल करना चाहिए, अपने मीनू पर या मासूमीन के मीनू पर? कितना मासूमीन हमको बुलाया है, का कुरान पढ़ो, का पढ़ने नहीं आता तो सुनो, का सुन नहीं सकते तो देखो, का देख नहीं सकते हो तो वजू करके कुरान खोल करके उसकी आयतों पर हाथ तो फेरो। दुआ नहीं कर सकते, दुआ की मजलिसों में शरीक तो हो, ये दुआ इफ्तिताह, दुआ बॉम्बे सोमाली, और ये जो जनाब शेख अब्बास उम्मी ने मफातिह जनान में लिखी है, या बखिया लोगों ने मजमुए में लिखी है, या वज़ाइफुल अबरार या दूसरी चीजों में है, या अल्लामा ज़ीशान हैदर साहब ने आमाले माह रमज़ान लिखी है, ये बहुत ज्यादा दुआएं नहीं है, ये वो सिलेक्टेड दुआएं हैं जो इन्होंने ली है। वरना रमजान मुबारक के अमाल में जो मासूमीन से दुआएं हुई है, नकवी है, वो उससे कितना ज्यादा है। तो कम से कम हम मासूमीन के बताए गए फरमान पर 10% तो अमल करें। गौर तो करें, न मालूम इस मुबारक महीने में कौन सी सात ऐसी आ जाए, कौन सा वक्त ऐसा आ जाए, हमारी जबान से कौन जुमला ऐसा निकल जाए कि जिसके बिना पर खुदा हमारी सारी गुनाहें बख्श दे। और यह भी हो सकता है इस मुबारक महीने में ऐसी कोई गलती हमसे सरदर्द हो जाए, ऐसी कोई गुनाह हम कर बैठे कि हमारी सारी जिंदगी के अमाल खत्म हो जाए। अगर जब तक हम जन्नत में नहीं चले जाते उस वक्त तक हमें इस मुबारक महीने को गनीमत जानना चाहिए। खुदा कितना करीम है, वाकई खुदा अकरम अकरमीन अरहम अर्राहिमीन है, गफ्फार अज़्ज़ुनूब है, सत्तार अल-उयूब, वो इतना करीम है, इतना रहीम है कि तुम्हें अरबी नहीं आती तो नहीं सकती, उर्दू नहीं आती तो न सही, अंग्रेजी नहीं आती तो न सही, बोलना नहीं आता न सही, तुम मुसल्ले पर बैठ करके थोड़ी देर शर्मिंदा हो सकते हो, अपने गुनाहों को नजरों में ला करके एक कतरा आंसू बहा सकते हो। मैं तुमसे समुंदर नहीं चाहता, मैं तुमसे दरिया नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी बारगाह में और शर्मिंदगी का एक आंसू जो मक्खी के पर के निकल आए, मैं तुम्हारे एक आंसू पर तुम्हारे गुनाह बख्शने के लिए तैयार हूं। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, दिन के उजाले में, रात के सन्नाटे में मुसल्ले पर बैठो और परवरदिगार मैं गुनाहगार बंदा तेरी बारगाह में आया, तेरे अलावा मेरा कोई रब नहीं है, तेरे अलावा मेरा कोई दरवाजा नहीं है। परवरदिगार दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर तू अजाब नाज़िल कर सकता है, लेकिन परवरदिगार तेरे अलावा कोई रब नहीं है जिससे मैं मग़फ़रत की दुआ मांग सकूं। अगर तूने दरवाजा बंद कर दिया मैं किसके दरवाजे पर जाऊंगा, अगर तूने मुझे महरूम कर दिया मैं किससे मांगूंगा। परवरदिगार मेरी गुनाहें अजीम है, यकीनन मैं नालायक हूं, मैंने बड़ी गुनाहें अंजाम दी है, लेकिन परवरदिगार हूं तेरा बंदा, आया हूं तेरे दरवाजे पर,
इस मुबारक महीने में तूने बुलाया है और तेरी शान करीमे से बईर है जिसको बुलाए तो उसको वापस कर दे। अजीज दोस्तों, कभी खुदा की बारगाह में जुमला कहें कि अगर कोई आदमी किसी के यहां मेहमान बन के जाता है या कोई आदमी, कोई शरीफ आदमी, कोई करीब आदमी किसी को मेहमान बुलाता है तो क्या मेहमान अपने साथ खाना लेके जाता है, बिस्तर लेके जाता है? अगर करीम के घर मेहमान अपना नाश्तेदान लेके जाए, अपना टिफिन लेके जाए, अपना बिस्तर लेकर के जाए तो कहेगा क्या आपको मेरे का खाना नहीं मिलेगा? अजीजो, जब एक मामूली इंसान ये नहीं चाहता कि मेरे क्या कोई आए कुछ लेके आए, परवरदगार तू करीम है, मैं तेरी बारगाह में खाली हाथ आ रहा हूं, मेरे पास आमाल का कोई सरमाया नहीं है, कोई ईमान का सरमाया नहीं है, मैं तेरा गुनाहगार बंदा गुनाहों का बोझ लेके आ रहा हूं, किसी के सहारे नहीं, तेरे करम के सहारे तूने बुलाया है, मैं तेरे बुलाने पर आया हूं, दिन भर तेरे कहने से भूखा रहा हूं, इस वक्त तेरे सुफरे पर बैठ करके इफ्तार कर रहा हूं, तुझसे ये दुआ करता हूं, जहां तूने दिन भर मुझे रोजे की तौफीक दी है वहां मुझे इस लुकमे के साथ मेरी गुनाहों को भी बख्श दे, मेरी खताओं को भी बख्श दे। और अजीज दोस्तों, जब आप सुफरे पर बैठ के पहला लुकमा उठाए तो मेरी आप सबसे दुआ यह है कि दुआ करे परवरदिगार मुझे माफ कर या ना कर, मेरे गुनाह बख्श या ना बख्श, उस पर रहम की नजर कर या ना कर, लेकिन मेरे इमाम का ज़ुहूर जरूर मुहैया कर। पहला लुकमा उठाए कि अल्लाहुम्मा कुल वली कल हुज्जत बिन हसन, आप अपने लुकमे इफ्तार के वक्त इमाम को याद करें, गैबत रहने वाला आपको याद करेगा, एक जुमला कहें, परवरदिगार ये दुआ के कबूलियत का वक्त है, तूने मुझे बुलाया है, मुझे माफ कर या ना माफ कर, मुझे आजाद दे या ना दे तेरी मर्जी है, लेकिन उस जहरा के फर्जन के जहूर में ताजीर कर दे जो आज भी अपने पहलू को एक दुआ वक्त इफ्तार जहूर इमाम की दुआ करें परवरदिगार, एक लम्हा पूरी जिंदगी में कोई एक ऐसा दस्तरखान नसीब हो जिसमें इमाम के साथ हमें इफ्तार करने की तौफीक नसीब हो। यह रमजान मुबारक का महीना दुआओं का इस्तिग़फ़ार का महीना है। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ सायम, ऐ रोजेदार, गौर कर, सोचो समझो तुम इस महीने में किसके मेहमान हो, और देखो तुम्हारे रात और दिन किस तरह बसर करते हैं, और देखो किस तरह से तुम अपने आजा और जवारे को गुनाहों से महफूज रखते हो। देखो कभी ऐसा ना हो कि रमजान मुबारक के दिन रात गुजर जाए अब तुम्हारे पीठ पर तुम्हारे गुनाहों का बोझ वैसे ही बाकी रह जाए। किसी शख्स को बेहतरीन अस्पताल में दाखिल किया गया हो और बेहतरीन डॉक्टरों ने बेहतरीन दवाएं दी हो तो क्या तवक्को होती है कि जब ये निकलेगा तो बीमारियां तमाम हो जाएंगी, लेकिन अगर निकल आए बीमारियां तमाम ना हो का पैसा भी गया, वक्त भी गया, ऐसा न हो कि रमजान गुजर जाए और हमारे गुनाहों का बोझ हल्का न हो, ऐसा न हो कि रमजान गुजर जाए और हमारे गुनाहों की मगफरत न हो जाए। ऐसा अगर तुमने ऐसा किया और न किया कि रमजान गुजर गया तुम्हारे गुनाहें नहीं बख्शी गई तो जिस वक्त रोजेदारों के इनाम दिया जा रहा होगा तुम्हारा नाम उन इनाम पाने वालों में न होगा, और जिस वक्त मलाइका इन रोजेदारों की इज्जत दे रहे होंगे तो महरूमी में शुमार होंगे,
और देखो जिस वक्त लोगों को खुदा की बारगाह में बुलाया जा रहा होगा तो उससे दूर किया जा रहा होगा। दुआ करो रमजान के रोजे के बाद जब रोजेदारों के इनाम मिले हमारा नाम इनाम वालों की फेहरिस्त में शामिल हो, हमारा नाम खुदा से करीब होने वालों की फेहरिस्त में शामिल हो, हमारा नाम अल्लाह से करीब होने के फर्ज। उसके बाद वाकई ये मौला के जुमले हैं, दुआ करें कि जुमले मौला के अदा हो जाए और आपके कानों तक खुलूस के साथ पहुंच जाए। दुआ करें अल्लाह तौफीक दे। अय्युहस्साइम ए रोजेदार इन तुल्तान बाब मलीलिक, ए रोजेदार अगर तुम अपने बादशाह के अपने अजीज अपने अल्लाह के दरवाजे से तुमको भगा दिया गया तो है कोई दरवाजा जिस दरवाजे को तुम खटखटा सको? है कोई दरवाजा? वैन हरम रब, अगर तुम्हारे रब ने तुमको महरूम कर दिया तो है कोई जो तुमको रिस्क दे सके? दुनिया में एक डॉक्टर नहीं दो डॉक्टर, एक घर नहीं दो घर, एक दरवाजा नहीं दूसरा दरवाजा, लेकिन क्या खुदा के अलावा कोई दरवाजा है? फरमाते ऐसे रोजगार अगर इस महीने में खुदा ने तुमको जलील कर दिया तो कोई है जो तुम्हें इज्जत देने वाला है? अगर खुदा तुम्हें अपनी निगाहों से गिरा दे, है कोई जो तुम्हें इज्जत दे? वही खजल अगर अल्लाह ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो है कोई इस महीने में तुम्हारी मदद करने वाला? अगर खुदा बंदा ने इस महीने में तुमको अपने बंदों में शुमार नहीं किया तो तुम किसकी बंदगी तलाश करोगे? तुम किसके किया जाओगे? और अगर इस महीने में खुदा ने तुम्हारे गुनाहें नहीं बख्शी तो किससे बख्शिश गुनाह की तुम उम्मीद रखते हो? अगर खुदा वंद आलम इस महीने में तुमसे हक का मुतालबा किया तो तुम्हारी दलील क्या होगी? यह रमजान मुबारक का महीना है, तिलावत कुरान का महीना है, इस्तिग़फ़ार का महीना है, रातों को जागने का महीना है, नमाज शब पढ़ने का महीना है, कुरान करीम की तिलावत का महीना है, इस्तिग़फ़ार का महीना है। अपने आप को थोड़ी देर के लिए खाली करें और खुदा की बारगाह में खुद लेकर के जाएं। जो चाहे वो मांगे, औलाद मांगे, रिस्क मांगे, कर्जों की अदायगी मांगे, और सबसे बढ़ के मांगे तो जन्नत है, नजात मांगे। आज आप जो हर रमजान के नमाज के बाद दुआ पढ़ते हैं, या अलियो या अजीम या गफूरो या रहीम, अगर आप इसी एक दुआ पर तवज्जो दे, दिल की गहराइयों से एक दुआ अगर आपकी कबूल हो जाए तो बख्शे गुनाह के लिए काफी है। या अलियो या अजीम या गफूरो या रहीम अंतर रब्बुल अजीम उल्लज़ी लैसा कमिस्ले शय, परवरदिगार तू वो रब है जिसका मिसल नजीर कोई शय नहीं। अंतल अजी फरस्ता से हामो अलई, तूने रोजा वाजिब किया है, तूने इस महीने को बरकत दी है, तूने इस महीने को शराफत दी है, तूने इस महीने को इज्जत दी है। फयाजल मन वला यमन अलैक मुन अलैया बिफका के रकबते बिनार, ए एहसान करने वाले तू सब पर एहसान करता है, तुझ पर कोई एहसान नहीं करता। मुन अलैया मुझ पर इतना एहसान कर, बेफिका के रकबत बिन नार कि मेरे इस गर्दन को जहन्नम से आजाद कर। पैगंबर फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन वक्त दुआ की कबूलियत का नमाज वाजिब की अदायगी के बाद है, दरवाजे दुआओं के खुल जाते हैं। जब ये दुआ पढ़ी जाए तो हाथों को बुलंद के कहिए अजल मन मुन अलैया बेफिका के रकब, ए साहेब एहसान मुझ पर ये एहसान करके मेरी इस गर्दन को मेरे वजूद को जहन्नम से आजाद करके, वदखिलनी जन्नत बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, और मुझे जहन्नम से आजाद करके जन्नत में दाखिल कर दे। आया मासूमीन का एहसान है या नहीं है? आप दूसरों के चले जाइए,
उनके के रमजान के आदाब देख लीजिए और मासूमीन ने जो आपको आदाब सिखाया वो देख लीजिए, कैसे कैसे मासूमीन ने आपको आदाब रमजान मुबारक सिखाए और कैसी कैसी दुआएं आपको तालीम दी है, आपके हाथ पर मफरत गुनाह रख दी है, आपके हाथ पर जन्नत में जाने का परवाना रख दिया है, दुआएं सिखा दी है, पढ़ा दी है। बैठना हमें करना है, दिल से मांगना हमारा काम है, दिल से मांग मुंह ना लिया बेफका के रकब तमीनना, और मदगर मेरे पास कोई अमाल का सरमाया नहीं है, न नमाजे है न रोजे है न हज है न जकात, इसलिए कि मैं नमाजें लेके आऊं तो रियाकारी है, सदकात लेके आऊं तो रियाकारी है, हज लेके आऊं तो रियाकारी, मेरे पास कुछ नहीं है। खुदाया मैं खाली हाथ हूं, लेकिन तू करीब है, मैं तेरी बारगाह में आऊं क्या मुझे वापस कर देगा। मेरे पास वापस कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ हूं, मैं सिर्फ तेरे कर्म के सहारे आया हूं। तूने बुलाया है, आवाज दी है कि अल्लाह से मफरत की दुआ मांगो, मैं तेरी आवाज पर आया हूं। और मासूम फरमाते परवरदिगार ये तेरा ऐसा काम नहीं है, तू किसी को दुआ मांगने की इजाजत दे और फिर उसको कबूलियत से महरूम रखे, ऐसा नहीं सब इनसे बात है का या सैयदी अंत अमोरा भी सवाल वतम नतिया, ये तेरा कर्म नहीं है, ये तेरी शान नहीं है कि दुआ दुआ करने का हुक्म दे और फिर तू अता न कर। मैं तेरी बारगाह में आया हूं यजीद दोस्तों, कोशिश करें ये रमजान मुबारक मफरत में गुजर जाए, तिलावत में गुजर जाए। रवायत तो मिलता है कि हम चाहते हैं खुदा हम पर रहम करे तो गरीबों पर रहम करे, सिर्फ अपना इफ्तार न खाएं, कुछ गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करें, झोपड़ पट्टियों तक जाएं, गरीबों तक जाएं, अरे गरीब को इफ्तार दे के उससे कहे भाई तुम मेरे लिए दुआ कर दो, हो सकता है मेरी दुआ मेरी मफरत गुनाह के लिए काम न आए, लेकिन एक गरीब एक यतीम के जबान से निकली हुई दुआ मेरी गुनाहों की मफरत के सबब बन सकती। कोशिश करें इस मुकद्दस महीने में, ये कि उसका मौला फरमाते अय्यो साइम तकर्रब इल्लाह बितिलावत किताबे, खुदा से कुर्बत हासिल करो कुरान की तिलावत के जरिए से, दिन में पढ़ो रात में पढ़ो, क्योंकि कुरान कि अल्लाह की किताब वो है जिसकी जो मैदान कयामत में शिफात करेगी और उसकी शिफात कुरान की तिलावत करने वालों के हक में कबूल की जाएगी और उसके जरिए से उनके दराजात में इजाफा होगा। रमजान में कुरान पढ़े, ये कुरान में कितने लोग थे जो 10-10 कुरान पढ़ते थे, लेकिन मैं फिर अर्ज कर चुका हूं हमारी तिलावत कुरान की महफिलें वाकई सही होना चाहिए, तजवीद के साथ होना चाहिए, कुछ महफिलें तजवीद की हो और कुछ महफिलें कुरान के समझने की हो। क्या हम कुरान करीम में सिर्फ जबानी अरबी पढ़ते चले जाए कुछ ना समझे, या क्या ऐसा नहीं हो सकता हम 15 मिनट कुरान समझने में लगा दें, 2-4 सूरे समझ ले, क्या हम तफसीर कुरान के दर्स नहीं रख सकते, क्या हम तफसीर कुरान के मौके नहीं रख सकते, हम 1 घंटा तजवीद कुरान पढ़े तो क्या 15 मिनट हम कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ सकते, कुछ तो कुरान से नजदीक हो। उम्मीद है कि एक नया शोर एक नया जोश ये रमजान मुबारक बाकिया से बेहतर गुजरेगा और हमारे गुनाहों की मगफरत का सबब करार पाएगा। फिर आपसे दुआ है दरख्वास्त है कि जब भी इफ्तार पर बैठे और लुकमा उठा करके दहन में रखने जाए तो गरीब जहरा को याद करें, वारिस हुसैन को याद करें, गैबत रहने वाले को याद करें और उनसे दुआ कर, खुदा दुआ है कि मेरे इमाम की जहूर में ताजील फरमा और हमें इस साल का रमजान शब कद्र और ईद इमाम के साथ मनाने की तौफीक अनायत फरमा। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ولا آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في العالمين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. عزیزان گرامی، چونکہ ظہر کا وقت پیچھے ہٹ رہا ہے اور جمعہ کا خطبہ 35-40 منٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا، لہذا آپ یہ امید رکھیں کہ ہر جمعہ کو نماز اس کی 1:25 پر یا 1:20 پر ہوگی، پیچھے پیچھے ہٹتی چلے جائے گی. آپ لوگ اس کا خیال رکھیے گا، کل یہ نہ کہیے گا نماز 1:25 ہوتی تھرمائے اور آج 1:20 پر کیسے ہو گئی. یہ سارا مسئلہ زوال کا ہے. آپ سورج کو ایک جگہ روک لیجئے، وہ ادھر ادھر نہ کھسکے تو جمعہ کا نماز وقت بھی نہیں بدلے. لیکن اگر ہم سورج کو نہیں کھسکا سکتے تو خود کھسکنے کی کوشش کریں، اعتراض کرنے کی بات نہ کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفي ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب سيد الوصيين. اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة وامامي المسلمين. اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم ولي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين. اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمامي المسلمين. اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية حجة بن الحسن القائم المنتظر المرضي محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار امام اس کے ظہر میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما. پروردگار ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو مغفرت فرما. پروردگار روز اول شمع رمضان ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، شب قدم اس مغفرت میں اضافہ فرما. پروردگار اس رات ہمیں بہترین شب قدر اپنے امام کے ساتھ منانے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کو بہترین جوانوں میں شمار فرما. پروردگار اس مقدس مہینے میں ہمیں ہر طرح کے جھگڑے لڑائی فساد سے محفوظ فرما. اس مقدس مہینے میں ہمارے گھروں کے تعلقات کو بہتر سے بہتر فراہم فرما. اس مقدس مہینے میں ہمارے رزق میں اضافہ فرما. پروردگار اس مقدس مہینے میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت، نماز، دعاؤں کی توفیق عنایت فرما. قلب مقدس امام زمان کب سے راضی و خوشنود فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام کی سلامتی کے لیے، خاص کر مخصوص بیماروں کی شفا کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے، جوانوں کی ترقی کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء
Amma yujibul mustarra idha da'ahu yakshifu as-su.